नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी, बिजनेस ट्रेनर, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड मोटिवेशन स्पीकर। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन के माध्यम से बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज जो स्पेशल गेस्ट हमारे साथ में हैं वो आईटी इंडस्ट्री से हैं। जब हम अकाउंट्स की बात करते हैं, जब हम जीएसटी की बात करते हैं, जब हम बुक कीपिंग की बात करते हैं, तो बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का नाम सबसे टॉप पर आता है। तो हमारे साथ में हैं दिनेश कुमार गुप्ता जी, CEO एंड फाउंडर डायरेक्टर बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अमित जी। तो दिनेश सर, बहुत सारे व्यूअर्स जो आईटी इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि बिजी जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, आज इंडिया का टॉप लीडिंग सॉफ्टवेयर है, इसकी स्थापना कैसे हुई, कब ये कंपनी शुरू हुई और पूरी जर्नी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आपके सामने आई। तो एक बार ये बताएं कि बिजी की सक्सेस स्टोरी के बारे में, और कहाँ से जर्नी शुरू हुई और कैसे हम लोग टॉप तक पहुँचे। 1990 में ये काम शुरू किया था हमने जी। और उस समय हमने काम शुरू किया कंप्यूटर मेंटेनेंस सर्विसेज और कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से। ओके। फिर उसके बाद 1991 में, लगभग एक साल बाद जी। जिन कस्टमर्स को हम सर्विसेज देते थे, उन्होंने कहा कि भाई कंप्यूटर्स भी आप ही दो हमें। ओके। तो हमने कंप्यूटर्स का सेल्स का काम शुरू किया। फिर मेरे ब्रदर, जो छोटे ब्रदर हैं, जो बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के आर्किटेक्ट हैं, ग्रेट, उन्होंने मुझे ज्वाइन किया। तो हमने कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के काम में और तेजी ली जी। उस समय एक बहुत फेमस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता था, तो ज़्यादातर काम हमारे को इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाने के मिलते थे जी। लेकिन 1992 में हमें यह एहसास होने लगा कि जो क्वालिटी हम एक कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में डालने की कोशिश करते हैं, वो क्वालिटी से कस्टम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट हमारे लिए इकोनॉमिकली वायबल नहीं रहते जी। और हमें ये एहसास हुआ कुछ कि शायद हम लोगों को एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाना चाहिए जी। इसका मतलब जब हम कस्टम सॉफ्टवेयर बनाते थे, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम रहती थी कि हर कंज्यूमर के अकॉर्डिंग हमें एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना है। हाँ जी, तो उसकी कॉस्ट उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होती थी। हाँ जी, हाँ फिर जी। आपने डिसाइड किया कि हम क्यों ना एक यूनिवर्सल ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएं। हाँ जी, हाँ जी। जो फाइनेंशियली भी सबके लिए बहुत ईजी हो बाय करने में। हाँ जी, और हाँ यूनिवर्सली कोई भी पर्सन उस सॉफ्टवेयर को यूज कर सके जी जी। 1992 में हमने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के ऊपर काम शुरू किया और उसमें हमने जो हमें गैप लगता था उस समय मार्केट में, उस समय हमने अकाउंटिंग के साथ साथ सेल्स टैक्स की रिपोर्ट्स भी उस सॉफ्टवेयर में डाली जी। 1993 में सितंबर में हमने बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की पहली कॉपी बेची। ओके। उसके बाद फिर धीरे धीरे, शुरू में तो हम रेफरेंस से बेचते रहे जी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, और हम लोगों ने ये एक टारगेट बनाया कि जब हम 100 इंस्टॉलेशंस कर लेंगे जी अपने रेफरेंसेस से, 100 सक्सेसफुल इंस्टॉलेशंस जी, उसके बाद फिर हम इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग शुरू करेंगे, मार्केट में इसकी अवेयरनेस बढ़ाना शुरू करेंगे जी। तो वो गोल हमने लगभग एक साल में अचीव कर लिया। ग्रेट। और सितंबर 94 तक हम लोग 100 इंस्टॉलेशंस कर चुके थे। ग्रेट। और जिन लोगों को हमने वो सॉफ्टवेयर लगाया जी, वो बहुत सेटिस्फाइड थे। और उन लोगों ने जब हमें ये कमेंट दिया कि जो उस समय का पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जी, आपका प्रोडक्ट इससे भी ज़्यादा आसान है यूज़ करने में जी, प्लस इसमें जो टैक्सेशन की रिपोर्टिंग है, ये हमारा बहुत बड़ा एक पेन पॉइंट था जी, जो कि इस प्रोडक्ट से रिजॉल्व हो गया। उससे हमारे को बहुत प्रोत्साहन मिला कि अब हम इसको और जोर शोर से आगे बढ़ाएं जी। आप बात कर रहे हैं 1990 की, तो उस समय पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आई थिंक ये इंडस्ट्री, ऑनलाइन इंडस्ट्री फेस करती होगी, क्योंकि उस समय इंटरनेट इतना कॉमन नहीं था, लोग सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, लैपटॉप से इतना अवेयर नहीं थे। उस समय पर बुक्स मैनुअल लिखी जाती थी, तो एक बड़ा चैलेंज आया, रेवोल्यूशन आया, आपने क्रांति मार्केट में आप लेकर आए कि जो लोग मैनुअल बुक्स लिख रहे हैं, अब वो कन्वर्ट हो रहे हैं डिजिटल पर। तो क्या प्रॉब्लम उस समय आपको फेस करनी पड़ी कि भाई लोग मैनुअल छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि लोग जिसमें कम्फर्ट जोन में रहते हैं उसको कभी छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो क्या बात ऐसी आप बताना चाहेंगे उसके बारे में कि वो मैनुअल से जब डिजिटल पर आए तो क्या प्रॉब्लम आप लोगों ने फेस की उसको सेल करने के लिए, उसको एडवर्टाइज करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए। देखिए जी, जब हमने काम शुरू किया उस समय कुछ हद तक तो लोग मैनुअल से कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग पे आ चुके थे जी, और एक बहुत ही पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर था वो ही सबसे ज़्यादा उस समय चलता था जी। तो एज सच वो बहुत बड़ा चैलेंज नहीं आया, क्योंकि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग को लोग एक्सेप्ट कर चुके थे जी। जो हमारे आगे चैलेंज आया वो ये आया कि उस समय पायरेसी बहुत थी सॉफ्टवेयर की जी, तो वो जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर था वो लोगों को फ्री में मिल जाता था जी। अब हमने जब अपना प्रोडक्ट बेचा तो उस समय हमें ये होता था कि भाई लोग हमें अगर पैसे दें तो उस सॉफ्टवेयर के अलावा हमारे सॉफ्टवेयर में क्या है जिस बात के लोग पैसे दें।
तो वो चैलेंज हमने रिजॉल्व किया सेल्स टैक्स रिपोर्ट्स इसमें डाल के। ओके, इसका मतलब जब हमें किसी भी बिजनेस या इंडस्ट्री में सक्सेस चाहिए हो तो हमें हमेशा कंज्यूमर के रिव्यूज के अकॉर्डिंग हमें अपने प्रोडक्ट को R&D करके अपग्रेड करना चाहिए। ये बात जो मैं समझ पा रहा हूँ और मेरे व्यूअर्स भी समझ पा रहे हैं। फ्रेंड्स, एक बात को समझ लीजिएगा, जब आप अपनी इंडस्ट्री में कोई रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं, कोई बड़ी क्रांति लाना चाहते हैं, तो आपको ये देखना होगा कि आपके कंज्यूमर के उस प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या रिव्यूज़ हैं, और रिव्यूज़ के बाद वो क्या ऐसी एडिशनल फीचर या एडिशनल बेनिफिट या एडिशनल इम्पॉर्टेंस उसमें चाहते हैं कि जिसकी वजह से वो लोग उसको इस्तेमाल करें। जी जी, क्योंकि अगर एक प्रोडक्ट बहुत पॉपुलर है मार्केट में जी, और आपके पास कोई बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज भी नहीं है और आप चाहते हैं कि आप अपनी जगह बनाएं मार्केट में जी, तो जब तक कोई एग्जिस्टिंग पेन पॉइंट आपको नहीं पता जिसको आप रिजॉल्व करते हैं अपने प्रोडक्ट के अलावा, तो आपको जगह नहीं मिलेगी मार्केट में जी। तो वो अब उसको स्ट्रोक ऑफ लक कहें या ये कहें कि हमने मार्केट रिसर्च की, वो प्रॉब्लम हमने पाई, उसको हमने रिजॉल्व किया, तो उससे हमारे को एक जगह मिलनी शुरू हुई जी। और फिर उसके बाद जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थी प्रोडक्ट की, जो जनरल स्ट्रेंथ्स थी, जैसे उसकी सिंप्लिसिटी, ईज ऑफ यूज, वो फिर लोगों ने जब एक्सपीरियंस की तो उसके बाद तो फिर वर्ड ऑफ माउथ से हमारा बढ़ता चला गया जी। एक प्रश्न मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगा, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि किसी भी बिजनेस को अगर मास लेवल पे शुरू करना हो तो बहुत बड़ी ह्यूज कैपिटल चाहिए, तो ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई, कितना इन्वेस्टमेंट से आपने बिजनेस शुरू किया और कैसे बढ़ते बढ़ते ये कंपनी आज एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई? ऐसा जी, कैपिटल तो लगभग ज़ीरो ही थी जब हमने काम शुरू किया, लगभग कोई 5-7 हज़ार रुपये से एक कंप्यूटर मेंटेनेंस के टूल्स मैं खरीद सकूं, इतनी कैपिटल थी जी। तो कैपिटल हमने कोई उसमें इन्वेस्ट नहीं की, लगभग नो कैपिटल से शुरू किया, इसीलिए हमारी बिगनिंग जो थी वो बहुत मॉडेस्ट थी। ओके। कि हमने सर्विसेज का काम किया और हमारे अंकल का ऑफिस था, उनका रनिंग बिजनेस था, वहाँ से मैंने काम शुरू किया था, तो कोई कैपिटल इन्वेस्ट नहीं की। धीरे 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 जैसे जैसे हमारी सेल होनी शुरू हुई, जो प्रॉफिट हुआ उस बिजनेस से, हमें उस बिजनेस को, उस प्रॉफिट को हम उस बिजनेस में ही इन्वेस्ट करते रहे। ओके। हमने कोई ड्राइंग नहीं की, जो प्रॉफिट जनरेट किया, जो अर्न किया, उसको री इन्वेस्ट करके, R&D करके, नई नई चीजों को डेवलप करके, हाँ, आप मार्केट में रिस्क लेते चले गए। हाँ जी, और हाँ, रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी की वजह से आपका ग्रोथ होता चला गया। हाँ जी हाँ जी, मतलब प्रॉफिट हमने शुरू में कुछ साल तक ड्रॉ नहीं किया जी, बिल्कुल भी, और हमने उसको उस बिजनेस में ही इन्वेस्ट किया जी। और उससे धीरे 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 हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव होने लगी जी। तो हमने फिर धीरे धीरे अपना अलग ऑफिस बनाया, मैन पावर हायर करनी शुरू की जी। और उस तरीके से फिर हमने, जब हमने जो टारगेट लिया था कि जब हमारी 100 इंस्टॉलेशंस हो जाएंगी उसके बाद हम मार्केटिंग शुरू करेंगे, तो दिसंबर 94 में हमने पहली बार इस प्रोडक्ट को मार्केट में एक्सपोज किया। एक पहले प्रगति मैदान में IT एशिया करके एक एग्जीबिशन होती थी हर साल, बहुत पॉपुलर थी उस समय, बड़ी लिमिटेड एग्जीबिशंस होती थी जी। और उस समय ऑनलाइन का बहुत ज़्यादा नहीं था, तो वो उसमें जब हमने अपने प्रोडक्ट को एग्जिबिट किया दिसंबर 94 में IT एशिया में, उसके बाद सडन हमारी सेल्स को एक जंप मिली। ओके, इसका मतलब फ्रेंड्स एक बात मैं यहाँ पर समझ पा रहा हूँ, अगर आप अपनी इंडस्ट्री में बहुत अधिक बूम करना चाहते हैं तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी कैपिटल से बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आपके पास वो जील होनी चाहिए, आपके पास वो गट्स होने चाहिए, आपके पास वो विल पावर होनी चाहिए कि मुझे अपनी इंडस्ट्री में पैर जमाने हैं और एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट अपने कंज्यूमर के लिए लेके आना है ताकि वो प्रोडक्ट मार्केट में लीड करे और आप एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर सकें। साथ ही साथ मैंने देखा बहुत सारे सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर से मैंने बात की, इंडस्ट्रियलिस्ट से मैंने बात की, तो उनमें से कई इंडस्ट्रियलिस्ट मेरे सामने ऐसे आए जिन्होंने बताया कि हमने कोई ह्यूज कैपिटल से बिजनेस शुरू नहीं किया। और आप जानते हैं कि दुनिया के बड़े से बड़े बिजनेस या तो गैराज से शुरू हुए हैं या जीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू हुए हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई इस बात को जान के कि एक छोटे से टूल्स को इकट्ठा करके जब आपने काम शुरू किया और वो करते करते एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के रूप में आ गए। अगला प्रश्न जो मैं पूछना चाहता हूँ सर, वो ये है कि जब हम किसी भी इंडस्ट्री में आगे बढ़ते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं? जैसे फाइनेंस से संबंधित प्रॉब्लम आपने बताया कई बार सामने आती है, टीम मैनेजमेंट से संबंधित प्रॉब्लम आती है, एक्सपेंशन से संबंधित प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, या कई बार ये प्रॉब्लम आती है कि हम अपने प्रोडक्ट को बिना कॉस्ट के एडवर्टाइज कैसे करें, कौन सा टूल अपनाएं ताकि हम तेजी से प्रोग्रेस कर पाएंगे? देखिए, प्रोडक्ट हमेशा से ही हमारी स्ट्रेंथ रही है, प्रोडक्ट के अंदर नई नई इनोवेशंस। और जैसे सबसे पहले हमने सेल्स टैक्स की रिपोर्ट्स दी जी, इसी तरह हम लोग फीचर्स की टर्म्स में हमेशा बाकी सॉफ्टवेयर से आगे रहे जी। जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट हमने सबसे पहले दिया जी, बिलिंग हमने सबसे पहले दी,
फिर उसके बाद एक्साइज रिपोर्ट, सर्विस टैक्स रिपोर्ट, फिर उसके बाद कनेक्टिविटी थ्रू इंटरनेट, वो हमने सबसे पहले दी। और उसके बाद जब वैट इंट्रोड्यूस हुआ तो हम लोग सबसे लीडिंग प्लेयर थे वैट के फीचर्स देने में, वो हमेशा से ही हमारी स्ट्रेंथ रही है ये टैक्सेशन, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, ये हमेशा से ही हमारी स्ट्रेंथ रही है। और अभी जैसे GST भी लागू हुआ तो उसमें भी हम सबसे लीडिंग हम लोगों ने रोल प्ले किया। तो एक तो हमारी स्ट्रेंथ ये रही कि प्रोडक्ट के अंदर हम लोगों ने हमेशा फीचर वाइज और मार्केट के रिक्वायरमेंट वाइज हमेशा लीड किया जी। अब दूसरी बात रही बिजनेस डेवलपमेंट की, मार्केटिंग की, तो अर्ली 90s में जब ये प्रोडक्ट अपनी अर्ली स्टेज में था जी, तो उस समय हम लोगों के पास फाइनेंस की ज़्यादा ऑप्शन नहीं थी जी। तो हम लोगों ने लो कॉस्ट मार्केटिंग की काफ़ी जी। वो हमने कैसे की, जैसे कुछ कंप्यूटर मैगजीन्स होती थी उनके साथ CD जाती थी एक लोगों को जी। तो हमने उन कंप्यूटर मैगजीन से बात की कि भाई आपके यूजर्स को हम ये वैल्यू देंगे कि हम उनको एक फ्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर देंगे। ओके, मतलब मार्केटिंग के लिए आपने अलग अलग कंपनीज के साथ टाई अप करके, अलग अलग जो कंप्यूटर मैगजीन्स बनाने वाली मीडिया कंपनीज थी उनके साथ टाई अप किया कि हम एक छोटा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बना देंगे जिसको हम एक्सप्रेस एडिशन कहते हैं। ग्रेट, तो वो हम आपकी CD में डालेंगे जी। आपके कस्टमर्स को वो वैल्यू लगेगी जी। तो आपको वो वैल्यू मिल गई और हमें ये वैल्यू मिल गई कि हमारे प्रोडक्ट का नाम जो है कम से कम आपकी 50,000 CD जाती हैं एक इशू में, तो 50,000 जगह तक हमारा सॉफ्टवेयर पहुंच गया। मतलब अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड जो उसकी सपोर्टिंग इंडस्ट्री है उनके साथ शेक हैंड करके। तो दिनेश जी, अगला प्रश्न जो मैं पूछने जा रहा हूँ ये उन लोगों के लिए है जो ये सोचते हैं कि जब हम किसी भी प्रोडक्ट को लेकर किसी मार्केट में एंटर करते हैं तो हमें प्राइस कंपटीशन फाइट करना पड़ता है, कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करता है उससे कम प्राइस पर हमें बेचना होगा तभी हम मार्केट को कैप्चर कर पाएंगे। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं तो 1993 में डॉस बेस्ड कंप्यूटर होते थे, उस समय डॉस उसमें होता था, MS ऑफिस होता था, साथ ही साथ पायरेटेड टेली फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मिलता था। यहां हम बात कर रहे हैं प्राइस कॉम्पिटिशन की, लेकिन आपका जो प्राइस कॉम्पिटिशन था वो एक ऐसे प्रोडक्ट से था जो कंप्यूटर में फ्री ऑफ कॉस्ट पहले से अवेलेबल है। जी, तो इसके बारे में बताएं कि किस तरह से आपने मार्केट को कैप्चर किया और क्या स्ट्रेटेजी अपनाई उसको डिफीट करने के लिए, प्लीज। देखिए जी, ये सबसे बड़ा चैलेंज हमारे आगे यही था कि उस समय जो सबसे पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर था जी वो फ्री में कंप्यूटर में लोड होके आता था जी, तो हम प्राइस में तो कम्पीट कर ही नहीं सकते थे जी। तो हम लोगों ने सोचा इसके लिए क्या किया जाए जी। तो हमें लगा इसका एक ही तरीका है कि उस सॉफ्टवेयर से जो मिल रहा है लोगों को उससे अधिक उनको क्या दें, ऐसा क्या पेन पॉइंट है लोगों का जो उनको उस सॉफ्टवेयर में नहीं मिल रहा है वो हम डालें। तो वो जब हमने सेल्स टैक्स की रिपोर्ट्स इसमें डाली जी, तो उससे हमें वो मार्केट में जगह मिली। ओके, प्राइस पे तो हम कम्पीट कर ही नहीं सकते थे क्योंकि प्राइस तो, हाँ ये मैं मानता हूँ एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है कि आप जब मार्केट में एंटर करते हैं तो आपको लगता है कि थोड़ा सा हम प्राइस कम करें, लेकिन वो विनिंग पॉइंट नहीं हो सकता, वो एक सपोर्टिंग पॉइंट हो सकता है। विनिंग पॉइंट तो यही है कि आपको कोई ऐसा फीचर देना पड़ेगा जो कि मार्केट की रिक्वायरमेंट है और जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उनमें नहीं है। ओके, तो फ्रेंड्स एक बात को आप समझ लीजिएगा कि अगर किसी भी मार्केट में आप एंटर करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप प्राइस कॉम्पिटिशन करेंगे तभी आगे निकल सकते हैं। अगर आप क्वालिटी कंपटीशन भी करेंगे, सर्विसेज कंपटीशन भी करेंगे, तो आप अपने प्रोडक्ट में क्या एडिशनल फीचर दे रहे हैं, क्या एडिशनल सर्विस दे रहे हैं, वो भी आपके लिए विनिंग पॉइंट हो सकता है, जैसा कि बिजी के साथ रहा। राइट दिनेश जी, अगला क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब आपने उसको दिल्ली से शुरू किया बिजनेस को तो किस तरह से आप उसको पूरे इंडिया में लेके गए, किस तरह से आपने उसकी मार्केट की, किस तरह से अपने प्रोडक्ट को एक स्टेट से अदर स्टेट्स तक पहुंचाने में क्या क्या प्रयास आपके लगे उसके बारे में बताएं। देखिए जी, जैसा कि मैंने बताया कि हमने डिफरेंट कंप्यूटर मैगजीन्स जो लोग पब्लिश करते थे उनसे बात की जी। और हमने उनकी CD में अपना एक्सप्रेस एडिशन फ्री देना शुरू किया। ओके, और वो मैगजीन्स का जो सर्कुलेशन है वो तो पैन इंडिया होता था जी, तो उसके माध्यम से हमारा प्रोडक्ट पूरे इंडिया में पहुंचा। हम लोगों ने एग्जीबिशन में पार्टिसिपेशन किया जो 94 में, तो वहाँ पे RTSA एग्जीबिशन में नॉर्थ इंडिया के लगभग सभी चैनल पार्ट सभी कंप्यूटर डीलर्स वो उस एग्जीबिशन में आते थे जी। तो हमें उसके जरिए हमें चैनल पार्टनर्स मिले डिफरेंट स्टेट्स में। ओके, और जो हमारी
मैगजीन्स में सीडी थी जिसके जरिए हमारा एक्सप्रेस एडिशन पूरे इंडिया में गया, उसके जरिए भी हमारे को इंक्वायरीज आनी शुरू हुई चैनल पार्टनरशिप की भी और सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए भी, तो उसके जरिए भी हमारे को चैनल पार्टनर्स मिलने शुरू हुए और हमारा बिजनेस मॉडल जो है वो चैनल पार्टनर्स के थ्रू ही है। हमारी लगभग सभी सिटीज में इंडिया की इंपॉर्टेंट सिटीज में हमारे चैनल पार्टनर्स हैं, वो हमारी ब्रांच की तरह ही हैं जी, वही कस्टमर्स को रीजनल प्रमोशन करते हैं, रीजनल मार्केटिंग करते हैं, वही कस्टमर्स को डेमो दिखाते हैं, प्रोडक्ट लगाते हैं, आफ्टर सेल सपोर्ट देते हैं। तो हमारे चैनल पार्टनर धीरे 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 बढ़ने लगे और फिर एक बार जब वो इकोसिस्टम बनना शुरू हुआ तो उनके रेफरेंस से और हम लोगों ने भी फिर तरह तरह की मार्केटिंग एक्टिविटीज़ की, जैसे अब पिछले कई सालों से तो हम लोग रेडियो पे, टेलीविज़न पे, न्यूज़पेपर्स में डिजिटल मार्केटिंग के जरिए, अब तो हम पिछले कुछ सालों से बहुत एक्टिवली प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे हैं। ग्रेट। तो फ्रेंड्स, दिनेश जी के इस अनुभव से एक बात सामने निकल कर आती है, अगर आप अपनी इंडस्ट्री में पैर जमाना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप कॉम्पिटिटर के साथ फाइट करके आगे बढ़ सकते हैं, आप नई USP डिज़ाइन कर सकते हैं। आप ये देखिए कि उस इंडस्ट्री की सब इंडस्ट्री कौन सी है या उस इंडस्ट्री को फीड करने वाली इंडस्ट्री कौन सी है, उनके साथ टाई अप करके भी आप अपनी मार्केट को एक्सपेंड कर सकते हैं। आज दुनिया के सफलतम बिजनेसमैन से जब बात की जाती है तो उन्होंने बताया कि यदि आप बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो पार्टिसिपेट इन एग्जीबिशंस, क्योंकि एग्जीबिशन एक वो प्लेस होता है जहां उस इंडस्ट्री के संपूर्ण भारतवर्ष से ही नहीं पूरे विश्व से लोग आते हैं, जहां आपको बिजनेस के नेटवर्क को एक्सपेंड करने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसीलिए बी द मेंबर ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री, चैम्बर ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, सो पार्टिसिपेट इन एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और इन एनी एसोसिएशन हु इज गोइंग टू प्रमोट योर बिजनेस। तो दिनेश जी, अगला प्रश्न जो हम जानना चाहते हैं वो ये है कि जब हम कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं तो वो उस समय का बेस्ट प्रोडक्ट होता है, लेकिन जैसे जैसे मार्केट में रेवोल्यूशन आता है, मार्केट में चेंजेस आते हैं, यूजर्स में चेंजेस आते हैं, तो उसके बाद वो प्रोडक्ट किस तरह से अपग्रेड करना चाहिए ताकि हम मार्केट को लीड कर पाएं, और उस समय पर जो बिजी सॉफ्टवेयर था वहाँ पर, क्योंकि उस समय सेल्स टैक्स हुआ करता था, फिर वैट आया और अब GST आ गया, तो किस तरह से आपने अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड करने के ऊपर मेहनत की और किस तरह से उसकी R&D के माध्यम से अपने प्रोडक्ट को हमेशा अपग्रेड करते हैं जी। ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट हमेशा से ही हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है, क्योंकि हमें लगता था कि उसके बिना हमारा सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। ओके। तो जैसा मैंने बताया कि शुरू में जो हमें मार्केट में जगह मिली वो मिली सेल्स टैक्स से जी, फिर हमने उसके बाद इन्वेंट्री मैनेजमेंट डाला, वी वर द फर्स्ट टू डू सो, जितने भी रिकॉग्नाइज सॉफ्टवेयर थे मार्केट में उसमें सबसे पहले हमने किया जी, फिर हमने बिलिंग डाली जी, फिर हमने एक्साइज डाली, तो स्टैट्यूटरी कंप्लायंस हमेशा से ही हमारी स्ट्रेंथ रही है और हमारे प्रोडक्ट का आर्किटेक्चर ही उस हिसाब से है। ओके। फिर जब 2004 में वैट इंट्रोड्यूस हुआ तो सबसे पहले वैट बिजी ने ही इंट्रोड्यूस किया मार्केट में, और उसके बाद वैट जो था ये स्टेट लॉ था, तो इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं हर स्टेट का वैट अलग अलग था जी। तो आप सोचो कि हमें उसमें कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी, लगभग 2-3 साल तक हमारी 50% से ज़्यादा डेवलपमेंट की बैंडविड्थ वैट को मैनेज करने में ही लगी रही जी, और हमने हर स्टेट में अलग वैट होता था, कहीं पर 12% है, कहीं 14% है, कहीं 5% है, कानून भी अलग अलग थे, कहीं पर कोई रिटर्न है, कहीं रिटर्न का दूसरा फॉर्मेट है, तो वो सब चीज़ें और उनमें कॉन्स्टेंट चेंजेस हो रहे थे जी। तो अगले 2-3 साल तक हम लगातार एंगेज रहे वैट को मैनेज करने में। ओके। लेकिन हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और उसकी वजह से 2004 के बाद हमारा ग्रोथ का एक नया फेज आया, एक नई लीप मिली हमारे को अपने बिजनेस के स्केल में जी। फिर उसके बाद 2017 में जब GST इम्प्लीमेंट हुआ जी, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि GST की वजह से बहुत सारे बिजनेसेस जो अभी तक अनऑर्गेनाइज थे जी, या जो अपनी अकाउंटिंग कंप्यूटर पे नहीं करते थे, वो लोग फोर्स हो गए अपनी अकाउंटिंग को कंप्यूटर से करने में, तो डिमांड एकदम शूट हुई। ओके। और एक बार फिर बिजी ने लीडिंग रोल प्ले किया लोगों की GST प्रॉब्लम को मैनेज करने में और उनको सपोर्ट करने में कि वो अपना काम ठीक ढंग से कर सके, तो उसमें हमें बहुत बेनिफिट हुआ और अभी भी हम उसमें कार्यरत हैं, क्योंकि GST में भी कोई भी नया कानून आता है तो उसमें कुछ समय तक लगातार चेंजेस होते रहते हैं, तो हमारी टीम को ऑन दी टोज रहना पड़ता है काफ़ी टाइम तक जब तक वो लॉ स्टेबल नहीं हो जाए, तो उसमें अभी भी हम लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं कि जो भी उसमें चेंजेस आते हैं हम लोग बहुत प्रॉम्प्टली उसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपने सॉफ्टवेयर में,
और इसकी वजह से हमारे को काफ़ी बेनिफिट हुआ है पिछले 2-3 साल जी। तो फ्रेंड्स एक बात यहाँ पर समझ में आती है दिनेश जी के अनुभव से कि यदि आप अपने कंज्यूमर को हमेशा किंग समझते हैं, प्रायोरिटी पर हमेशा अपने कंज्यूमर को रखते हैं, उसकी ज़रूरत के हिसाब से अपने प्रोडक्ट में निरंतर परिवर्तन करते हैं तो आप मार्केट में हमेशा लीडर बने रहते हैं। दिनेश जी कोई भी ऐसे 3 key points जो आपने अपनी इंडस्ट्री में इंप्लीमेंट किए जिसकी वजह से आज आप एक मार्केट लीडर बने हुए हैं, और कोई भी इंडस्ट्री चाहे वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती हो या सर्विस इंडस्ट्री में हो मार्केट को लीड कर सके? मेरे हिसाब से पहला पॉइंट तो है प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल मार्केट नीड के हिसाब से होना चाहिए, और उसके लिए आपकी जो डेवलपमेंट टीम है वो मार्केटिंग से जुड़ी होनी चाहिए। ओके। उनका डायरेक्ट मार्केटिंग मार्केट से इंटरेक्शन होना चाहिए ताकि उनको डायरेक्ट फीडबैक मिले मार्केट से और वो प्रोडक्ट के अंदर मार्केट की नीड के हिसाब से चेंजेस कर सके। जी जैसे मैं अगर अपना एग्जांपल दूंगा जी, आप लोगों को हैरानी होगी कि मेरा और जो हमारे प्रोडक्ट आर्किटेक्ट हैं जी, हम दोनों में से किसी का भी अकाउंटिंग बैकग्राउंड नहीं है और हम लोगों ने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाया है। उसका कारण ये ही है कि हम लोग मार्केट से बहुत ज़्यादा जुड़े रहते हैं, और ये समझ लीजिए ये प्रोडक्ट हमने नहीं बनाया है, ये प्रोडक्ट हमारे यूज़र्स ने ही बनाया है। हमने सिर्फ उसका वर्जन 1.0 बनाया, उसके बाद जितने भी इसमें चेंजेस हुए हैं वो मार्केट के फीडबैक के बेसिस पे ही हुए हैं। इसीलिए लोग जब हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं तो वो हमेशा ये कहते हैं कि जी हमें ऐसा लगता है जैसे ये प्रोडक्ट हमने अपने हिसाब से अपने लिए बनवाया है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है और जो कि यूनिवर्सली इम्पोर्टेंट है वो है सर्विसेज। कोई भी प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो उसमें सर्विसेज तो आपको देनी ही होंगी ना कस्टमर को, कस्टमर की क्वेरीज होंगी, कस्टमर के इश्यूज होंगे, और कहीं ना कहीं अगर आपकी सर्विसेज अच्छी है इससे भी आपके प्रोडक्ट के अंदर इम्प्रूवमेंट का स्कोप बढ़ता है। आपकी सर्विसेज अच्छी है, लोगों की प्रॉब्लम्स आती हैं, आप उनको सुनते हैं, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो प्रोडक्ट की वजह से है तो आप अपनी प्रोडक्ट टीम को फीडबैक देते हैं, वो प्रोडक्ट के अंदर वो इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपकी सर्विसेज। जी। तीसरा, खासतौर से मैं अपने कॉन्टेक्स्ट में देखूं तो तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है चैनल नेटवर्क। जी। अब हम लोगों ने अपना बिजनेस, हमारी जो कस्टमर से फ्रंट एंडिंग है वो हमारे चैनल पार्टनर्स की होती है। जी। हमारे पूरे इंडिया में लगभग 450 cities में हमारे चैनल पार्टनर्स हैं, तो हमारे चैनल पार्टनर के जरिए हम लोगों तक पहुंच पाते हैं। अगर हम लोग अपने ऑफिसेज बनाएंगे तो शायद हम उतनी पेनिट्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो एक आपको एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना है कि कस्टमर जहां पे भी है वहां पे कोई ना कोई आपका सेलिंग पॉइंट, सर्विस पॉइंट आप बना पाएं, क्रिएट कर पाएं, जो कि उन कस्टमर को उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से सर्विसेज दे सके। तो तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है आपका चैनल कह लें या इकोसिस्टम कह लें, कि जहाँ से कस्टमर खरीद भी सके, सर्विस भी ले सके, ट्रेनिंग भी ले सके, और जिनके जरिए लोग अपनी बात आप तक पहुँचा सके। एक बात मैं इसमें और जोड़ना चाहूँगा, 3 points मैंने बताए जो आपने पूछा कि सबसे इम्पोर्टेंट 3 points कौन से हैं। एक है कि जो आपके प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर्स हैं उन तक आप अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस पहुँचा सके, वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में मालूम ही नहीं होगा तो फिर वो आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे कैसे। आपने कितनी भी अच्छी वैल्यू क्रिएट की है लोगों तक पहुंचना चाहिए वो बात, वो अवेयरनेस पहुंचनी चाहिए, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हालांकि शुरू के कुछ साल तो ये कहें कि फाइनेंशियल क्रंच की वजह से हम लोग बहुत एग्रेसिवली उस चीज़ को नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हमारी स्पीड जो है शुरू में थोड़ा स्लो रही ग्रोथ की, लेकिन पिछले कुछ सालों से इस चीज़ के महत्व को हमने जाना और हमारा अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, और हम कुछ सालों से मीडिया को यूज़ करके जैसे टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर्स, आईटी मैगजीन्स, जितने भी पॉसिबल एवेन्यूज़ हैं प्रमोशन के, डिजिटल मार्केटिंग, हम उसके जरिए बहुत एग्रेसिव मार्केटिंग कर रहे हैं, जिससे पिछले कुछ सालों में हमारी ग्रोथ की स्पीड काफ़ी बढ़ गई। फ्रेंड्स आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी हम लेकर आए हैं, अब हम शुरू कर रहे हैं हमारी एक सीरीज़ जिसमें हम सभी मेंटोर्स के साथ जिन्होंने बहुत कम कैपिटल से या शून्य से अपने बिजनेस की शुरुआत की और शिखर तक वो लोग पहुंचे, उनको हम इनवाइट करेंगे हमारे अगले ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में एज ए मेंटोर, ताकि उनके जीवन के अनुभव के बारे में आप जान सकें और अपने बिजनेस में उन चीज़ों को जो प्रैक्टिकली उन्होंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट की हैं, अपनी इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट की हैं, उसे जानकर बहुत एक्सपेंशन तक अपने बिजनेस को लेकर जाएं। दिनेश जी आपके जीवन में
शून्य से शिखर तक की जो यात्रा रही उससे संबंधित कोई ऐसी विशेष बात जो हमारे व्यूवर से आप कहना चाहें, ताकि वो भी आपको अपनी लाइफ में मेंटोर मानते हुए बहुत बड़ी सफलता तक पहुंच सके। मेरे हिसाब से अगर हम इस समय एंटरप्रेन्योरियल जर्नी की बात करें, या इनफैक्ट लाइफ में कोई भी अगर आप बड़ा गोल लें, तो गोल सेट करते समय एक बार आप अपने आप को असेस करें कि आपका पैशन क्या है, आपकी टैलेंट क्या है, आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं। एक बार आपने उन सब चीज़ों को दिमाग में रख के अपना गोल सेट कर लिया, फिर हमें उस गोल पे निरंतरता बनाए रखनी है, लगातार हमें काम करना है, परसिवरेंस इसको कहते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो तो है परसिवरेंस, क्योंकि कोई भी बड़ा काम है उसको सफलता मिलने में समय लगता है, तो उसको हमें एक सफिशियंट अमाउंट ऑफ टाइम देना है, उसके बाद ही उसका रिजल्ट आता है। दूसरा, कमिटमेंट। कोई भी आप काम करते हैं तो उसमें आपको 24/7 कमिटमेंट चाहिए, तभी उस काम में आपको सफलता मिलेगी, अगर वो काम चैलेंजिंग है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंटेग्रिटी एक्चुअली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप अपने बिजनेस को इंटेग्रिटी से करें, और वो इंटेग्रिटी सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स तक ही सीमित नहीं है। इंटेग्रिटी आपकी जितने भी आपके इकोसिस्टम में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबके लिए इंटेग्रिटी, चाहे वो आपके कोलीग्स हैं, आपके चैनल पार्टनर्स हैं, आपके सप्लायर्स हैं, आपके कस्टमर्स हैं, सभी के लिए इंटेग्रिटी। तो इंटेग्रिटी, कमिटमेंट और परसिवरेंस, मैं इन तीन चीज़ों को मैंने फॉलो किया है, और मेरे हिसाब से ये तीन चीज़ें बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, आज हमने दिनेश कुमार गुप्ता जी से जाना कि किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में निरंतर प्रयास करके शून्य से शिखर तक का रास्ता तय किया। और आज मैं सर से एक आश्वासन भी लूंगा आप लोगों के लिए, टीम ऑफ मेंटोर में जब भी हमें जरूरत पड़ेगी आपके अनुभव की, आपके ज्ञान की, आपके अनुभव से किस तरह से हमारे सभी व्यूवर्स अपने जीवन में उस बुलंदी को हासिल कर सकते हैं जिस बुलंदी को आपने हासिल किया है, तो उस टीम में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। माय प्रिविलेज। दिनेश गुप्ता जी, हमारे मेटास क्लब की एक प्रथा है, जो भी स्पीकर, जो गेस्ट हमारे साथ में आते हैं, जो मेंटर हमारे साथ में आते हैं, उनका गेस्ट ऑफ ऑनर करते हैं।